शासन ने प्रदेश भर में 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू का आदेश दिया है। कर्फ्यू का पालन कराने के लिए महानगर में बुधवार को भी कई चौराहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। महानगर के पैडलेगंज चौराहा, मोहद्दीपुर, यूनिवर्सिटी चौराहा तथा चेतना तिराहा पर पुलिस द्वारा वाहनों का चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान कुछ लोगों ने दवा के पर्चे, अपने पहचान पत्र दिखाकर निकल गए, लेकिन जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया उनके खिलाफ चालान कर कार्रवाई किया गया। चेकिंग के दौरान अम्बेडकर चौराहे पर पुलिस कर्मियों ने 20 टेम्पो को सीज किया। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि 41 जगह पर बैरियर लगाए गए हैं और हर जगह चेकिंग किया जा रहा है और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, लॉकडाउन के लिए 41 जगह बैरियर्स लगाए गए हैं और इसको हर जगह चेकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त हमने डाइवर्जन भी स्कीम लागू कर दी है ट्रैफिक की, तो नगर क्षेत्र में बिना मतलब के जो गाड़ियां आ रही हैं बाहर से, वो नगर क्षेत्र में ना है, वो बाहर से ही निकल जाएं, इसकी भी व्यवस्था की गई है और सीओस को भी सड़कों पर उतारा गया है।